आपका कितना बिल? मेरा बिल जो है इस वक्त 25 से 27 हज़ार रुपया बिल आया। और आप कमाते कितना? मेरी तकरीबन सैलरी है 50,000। अब आप यकीन करें कि हम बच्चों के लिए क्या करें, स्कूल की फीसें दें, 3-3 माह की फीसें हैं, किस तरह निज़ाम चलाएंगे? ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोच रहे। और आवाम अगर बाहर निकल आई तो फिर इनका जो आम निकल तो आई नहीं, अभी उस लिहाज से नहीं निकली जिस लिहाज से आवाम को निकलना चाहिए ना, उस लिहाज से आवाम नहीं निकली। आपका कितना बिल आया भाई? मेरा आया 13,000 रुपया बिल। 13,000? हाँ, मैं कल्ला कमाने वाला हूँ, मजदूरी करने वाला। कितना कमा लेते? मैं कल 20,000 रुपये कमा रहा था। 20,000 कमाते हैं। बिल कितना आया? बिल आया 13,000 रुपया। 13,000? हाँ। अब बच्चों जमा, बच्चों को रोटी खिलाएगा, बिल जमा कराया, और पिछले महीने मैंने किस्त कराई है। हाँ, किस्त कराई है, उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा जो अगले महीने आया ना बिल, उन्होंने लग के भेजा बिल। मेरा इस्तीफा 25,000 बिल है। अगर कमाते? कमाते हम बस ये हवाई रोजी वाला मामला है, बैठे कुछ बिक गया, कुछ कमा लिया, कुछ नहीं तो नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं हो। एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं ना, अब सिर्फ और सिर्फ वो सेल करने आ रहे हैं, बाइंग नहीं है कहीं भी। जितने भी लोग आ रहे हैं ना, उनसे पूछो यार, वो यही कहते हैं यार मजबूरी है, किसी ने फी पे करनी है, किसी ने बिजली का बिल पे करना है, और किसी के घर में खाना नहीं है। आजकल बिल और पूरा पाकिस्तान एहतजाज कर रहा है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और आप एज ए ताजर, क्या ये एहतजाज ठीक है? बात ये है भाईजान, जो गरीब तबका है ना इस मुल्क में बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। बिलों ने नढाल कर दिया गरीब तबके को। हर दूसरा तीसरा कस्टमर अपना फ़ोन मोबाइल की चीज़ें बेचने पे आ चुका हुआ है, जिससे पूछते हैं बस यही जवाब है उनके पास, जी घरों के बिल आ गए, हम तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। आपका बिल कितना आ रहा है? इतना छोटा सा सेटअप लगा हुआ हमारा, इसके ऊपर भी जो 10-15 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? सागर सदीकी साहब ने एक शेर कहा है, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की सजा पाई है याद नहीं। आज ये सूरत हाल पाकिस्तानी कौम की है कि इनको किस वजह से सजा दी जा रही है। इसके साथ अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें, नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।